मेरा नाम जयदीप अहलावत है और मैं हूँ मेरठ के गैंगस्टर्स का निखिल चौधरी। नमस्कार, मेरा नाम शुएब अहमद और मैं इस फिल्म का प्रोड्यूसर हूँ। नमस्कार, मैं आकाश दहिया और मेरठिया गैंगस्टर्स में मैंने अमित चकुनी की भूमिका निभाई है, लीडर है और सब भाइयों का प्यार है उसको लीडर बनाने में। ऐसा नहीं है कि वो खुद ही बोलता रहता है कि मैं ही लीडर हूँ। निशान कादरी ने उसको इस तरह से पिरोया है कि वो आप जो टिपिकल गैंगस्टर्स फिल्म होती है उसमें वो वाला गैंगस्टर नहीं है जो हर चीज़ जानते हैं, यू नो, इन एंड आउट, सबको पता होता है कि कौन कहाँ क्या होने वाला है। ये एकदम नए लोग हैं, नया कॉलेज से अभी निकले हैं और लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं और बड़ा करने के लिए कुछ शॉर्टकट अपना लेते हैं जो उनके लिए ठीक नहीं होता है। किसी के भी उस इंसान के लिए जो उस उम्र में है और वो कुछ बड़ा पाने के लिए कुछ शॉर्टकट अपनाते हैं, ये सब के लिए एक तरह से सबक है कि आप भी ऐसा ना करें। और मेरा कैरेक्टर जो है अपने भाइयों के बीच में रहता है, उनको संभालता भी रहता है, उनके इम्पल्सिस को कंट्रोल भी करता रहता है और खुद भी बहुत बहुत अलग ही अतरंगी आदमी है, कम बोलता है लेकिन फाइनल वर्डिक्ट जो है वो दे देता है। मेरठ काफ़ी खतरनाक जाना जाता है, हर चीज़ आज भी पहले से नहीं आज भी जाना जाता है। गैंगस्टर, आपने कभी कहानी सुनी गैंगस्टर के बारे में? आपने कितना आसान था स्टोरी में काम करना है फिल्म में? देखो, आप सुनते तो रहते ही हो ना, आप हर जगह, अगर आपके आपकी ज़िंदगी में अगर वो घटित नहीं हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके बारे में पढ़ते नहीं हो या उसके बारे में जानते नहीं हो। आप हर दिन न्यूज़ पढ़ते हो तो देश में इतना क्राइम होता है तो आप उनको, मैं बड़ा स्ट्रॉन्गली फॉलो करता हूँ पॉलिटिक्स को और सब चीज़ों को। और मैं हरियाणा से हूँ, मैंने भी वो कॉलेज में वो जो जिस तरह के मेरठ गैंगस्टर का जिस तरह का एनवायरनमेंट है वो मैंने देखा है अपने कॉलेज में। और गैंगस्टर वासीपुर की है तो उस वक्त भी मैंने वो सब उस एक अलग जगह का क्राइम मैंने पढ़ा, देखा, वहाँ गया मैं, उसको स्टडी किया। और मेरठ की जहाँ तक इस फिल्म की कहानी की बात है वो यही है कि मैं मेरठ से बहुत दूर नहीं हूँ, बीच में सिर्फ दिल्ली पड़ता है और कल्चरली वेस्टर्न यूपी और हरियाणा बहुत ज़्यादा अलग नहीं है, स्पेशली कॉलेजेस जो हैं जिस तरह यूथ और उसका बिहेवियर होता है तो डेफिनेटली वो था। लेकिन उसके अलावा आप उसके बावजूद आपको मेहनत करनी पड़ती है कि आप उस जगह का जो अपना पर्सनल जो फ्लेवर है वो लेके आए अपने किरदारों में, अपनी कहानी में। बहुत ज़्यादा काम तब पूरा हो जाता है जब एक राइटर एक अच्छी कहानी लिख देता है, वो उसके किरदार जो उसने पेपर पे उतारे हैं वो बहुत ही सटीकता के साथ उतार देता है। तो आप एक एक्टर का मैं मानता हूँ कि ये 30% काम पूरा हो जाता है जब उसकी कहानी और उसका किरदार बहुत अच्छे से लिखा गया। तो बाकी मेहनत हम सब करते ही। लैंग्वेज की बात करें, कितनी तैयारी? नहीं, मेल खाती है, एक बेसिक जो एक लहजा होता है उनका, बस मुझे इतना लगता है कि उसमें थोड़ा सा, एक तो अक्खड़ पाने में थोड़ा सा फ़र्क है, हरियाणवी थोड़े से कम शब्द बोलते हैं और उसमें ज़्यादा बात कह देते हैं। मेरठ की जो लैंग्वेज है उसका जो स्ट्रेस है, उसका जो एक इंटोनेशन की जो एक पैटर्न है वो थोड़ा सा अलग है, स्ट्रेस पैटर्न अलग है, बट बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। हम बना गाँव में शूट कर रहे थे तो उस गाँव के लोगों के बीच में हफ्ता भर पहले हम वहाँ पहुँच गए थे, या तो किसी कॉलेज के बाहर या किसी गांव में जाके बैठना, ये सब हमने किया वहाँ। और आपको उनका जो बेसिक लहजा जो एक होता है, एक्सेंट जो पकड़ा जाता है वो आपको सीखने को मिलता है, देखने को मिलता है। बट हाँ, थोड़ा सा फ़र्क है हरियाणा में, क्योंकि हरियाणा के लोग वन लाइनर्स के लिए बहुत फेमस हैं तो वो बहुत कम शब्दों में बड़ी बात कहने की कोशिश करते हैं, वो उनकी आदत में शुमार है ये बात। मेरठ में वो चीज़ थोड़ी सी कम है, बट वो कहते हैं ना कि मेरठ का एक जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि किसी ने एक पुरानी कहावत है कि मेरठ में इंसान मर जाए उसका ईगो उसके 24 घंटे बाद मरता है, तो उस तरह के कैरेक्टर्स हैं ये सब, देखने को मिलेगा आपको इसमें। सर, आप एज ए प्रोड्यूसर हैं, कैसे प्लान किया इस मूवी की अगर बात करें? प्लान अगर बात करें तो पिक्चर की कहानी बहुत अच्छी थी और ये कहानी सबसे हटकर है। आप अभी तक जितने अपने गैंगस्टर्स में फिल्म देखी है, इसका टाइटल मेरठ गैंगस्टर्स है, अभी आपने जितने भी गैंगस्टर्स फिल्म देखी है उसमें नामी क्रिमिनल्स को देखा है आपने, उनको पहले से आप उन लोगों को जानते थे जिनको आपने फिल्मों में देखा है, उन किरदारों को देखा है। ये अलग करेक्टर्स हैं, ये बेसिकली ये कॉलेज के लड़कों के ऊपर एक कहानी है, अच्छे दोस्त हैं, अनप्रोफेशनल गैंगस्टर्स हैं, ये प्रोफेशनल गैंगस्टर्स नहीं। मैं समझता हूँ ये पूरे परिवार को और सब ग्रुप में लोगों को देखनी चाहिए, क्योंकि उसमें एक बहुत अच्छा मैसेज जाता है कि दोस्ती में और लोग कैसे गलत रास्ते में भटक कर कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं, शॉर्टकट अपनाते हैं। और इसकी बिल्कुल और फिल्मों से हटके है गैंगस्टर्स की, इट्स नॉट ए प्रोफेशनल गैंगस्टर फिल्म, अनप्रोफेशनल गैंगस्टर्स हैं। और इस फिल्म के फुल डार्क ह्यूमर है और फिल्म के साथ साथ इसमें गाने बहुत अच्छे हैं, जिसमें अपने मिक्का को सुनेंगे, राहत फ़तेह अली खान को सुनेंगे, दिव्या कुमार है और अभी एक गाना गाया है सुरेश रैना ने इस फिल्म के लिए, वो गाना भी आप लोग इस फिल्म के अंदर सुनेंगे।
दैया साहब आपसे अगर बात करें, आप खुद हरियाणा से बिलोंग करते हैं, दैया जाट हैं, दैया जाट आपके लिए कितना इजी चाहिए सब करना है? सर इजी वही चीज़ जो अभी आपने जयदीप भाई से भी पूछा कि नहीं, आप इसको जाट के बारे में ना लेके पूछें, आप इसका फिल्म की बात करें, जाट तो है सब जानते हैं, दैया जाट है। इस फिल्म में ये शकुनी का किरदार कर रहे हैं, आप शकुनी किरदार के बारे में पूछे तो बेटर है। सर क्या बताऊँ मैं जो भी हूँ, देखिए अभी जो बीच में ये जो पंच आया ना वो यहाँ से आया था, शोएब भाई के यहाँ से, और ये जो किरदार है वो मैंने इनसे इंस्पायर्ड होके जो है सारा कुछ किया है। हर चीज़ मैं कहीं पर भी फंसता था, शकुनी का कैरेक्टर यही होता है कि वो सबसे ज़्यादा चालू आदमी एक जो है इस फिल्म में सबसे ज़्यादा चालू, और सबको अपने दोस्तों को मतलब कहीं ना कहीं पिटवाने वाला जो इंसान है वो मैं हूँ, और वो मैंने सब कुछ जो सीख लिया वो इनसे, शोएब भाई से लिए। इसने अपने दोस्तों को पिटवाया फिल्म के अंदर, एज ए प्रोड्यूसर इसने ये भी पिटवाया है। देखो बता दिया कुछ सर, फिल्म का वाक्या शेयर करना चाहूँगा मैं, एक वाक्या शेयर करना चाहूँगा, मेरठ की बात हो रही है तो मेरठ के वो करते हैं कि हम लोग इस फिल्म में बहुत सारी अच्छे अच्छे सिंगल टेक्स हैं जो जिशान ने लिए हैं, जो मैं जो भी अपने जो जनता है उनसे मैं बोलना चाहूँगा कि उनको बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा इस फिल्म में, जिसमें से एक है जो कि 6 घंटे का एक सिंगल शॉट है जिसको बाद में जो 1.5 मिनट में बदला गया टाइम लैप्स वाला। उस सीन के अंदर क्या होता है सर, 3 घंटे हो गए थे और 3 घंटे के अंदर जब 4th घंटा चालू हुआ था, 6 घंटे लगातार करना था बिना किसी कट के, और जैसे ही वो 3 घंटे होने के बाद उस बंद जो जहां हम लोग शूट कर रहे थे उनका जिनका वो एरिया था, वो कहीं से उसने जो है जो लाइट होती है वो उखाड़ी और उखाड़ फेंका है, और हम 3 लोग जयदीप भाई मैं और शादाब कमाल हमारे ऊपर से एक उड़न तश्तरी टाइप जो लाइट जो है वो ऐसे ही गई है, और उनके खेत के वहाँ पर 2-3 लड़के जो हैं वो शूटिंग देख रहे थे, तो जिशान को ये लगा कि शायद इनके लिए ये कहे कि भाई खेत वो इतने खड़े हैं, तो जिशान ने कहा कि ताऊ जा रहे हैं, तो वहाँ से जो ताऊ था वो कह रहा, अरे कहाँ जा रहे, मेरे खेतन पार दिए, मेरे यहाँ शूटिंग करवाऊँ तुम्हारी, अरे फिल्म बनेगी अगले साल। तो ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स जो थे वो आपको मेरठ में देखने को मिलते हैं, और उन्हीं से प्रेरित होकर शायद हमारे जो जिशान, क्योंकि वहाँ पर मेरठ का रहा है तो उसने अपने सारे दोस्तों के नाम इस फिल्म में हम लोगों को दिए हैं, और वो सही है। सर आपसे बात कर रहे हैं, जो गैंग ऑफ वासेपुर है मेल का पत्थर साबित हुई है, और काफ़ी आर्टिस्ट हैं जो उनमें उसके नाम से पहचाने जाते हैं और अच्छा कैरियर में काफ़ी नहीं अभी हाँ, इस फिल्म के बाद सब लोग इस फिल्म से जो सबके नाम है इन्हीं नाम से पहचाने जाएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। अगर हिट हो जाती है तो क्या सेकंड पार्ट सेकंड ही बनेगा? अरे क्यों नहीं बनेगा, सब बनेगा यार, आप लोग इस जगह तक पहुँचाओ, इस मुकाम तक पहुँचाओ, इन लड़कों ने जो इसमें मेहनत की है, और रियल में इन लोगों ने जो एक्टिंग में काम किया है, मेरे 6 के 6 लड़कों ने इसमें, इनको चोटें भी लगी हैं और उसके बाद बीमार भी थे, सब उन्होंने काम किया, मैं इन लोगों का सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आप मीडिया के चैनल के सामने सबके सामने कि इन लोगों ने अपना हक निभाया इस फिल्म में काम कर कर, वो बहुत अच्छी एक्टिंग की। वो सब इनको भी जाता है, वो सारा क्रेडिट जो है वो इनको जाता है, क्योंकि मैंने या जयदीप भाई आप भी माने इस बात को कि ऐसे प्रोड्यूसर जितना भी मैंने काम किया मैंने तो नहीं देखा है। जयदीप भाई अच्छा, और इसमें अभी आप 6 लोगों के बारे में आपको बता दिया है, बाकी इसमें संजय मिश्रा जी आप हैं हमारे साथ में, मुकुल देव है, बिजेंद्र काला है, तो करेक्टर बहुत अच्छे हैं, और इसमें फिल्म में जो किरदार हैं जिनको सबको काम दिए गए उन सब किरदारों को से आगे कहानी बढ़ती है, ऐसा नहीं है कि इसमें कोई एक छोटा रोल किसी का दे दिया और वो आया और चला गया, इसमें जितने करेक्टर्स हैं वो करेक्टर कहानी को आगे बढ़ाते हैं, और कहानी ऐसी है कि आप इस फिल्म को देखोगे ना, आप हर करेक्टर को देखोगे यार वो करेक्टर होता तो मज़ा आता, ये कहने का आपको कोई मौका नहीं मिलेगा। फिल्म बहुत अच्छी है और अच्छा ग्रिप है फिल्म के अंदर, आप देख के एंजॉय करेंगे। सर ज़्यादातर एक डायलॉग कोई फिल्म का फेमस डायलॉग जैसे? मुझे एक बहुत फेमस मतलब उसकी फेमस के अंदर से एक लाइन है जो मुझे पूरा पता चलता है कि वो आप निखिल चौधरी कैसा कैरेक्टर है, हमारे एक दूसरे गैंग से लड़ाई हो जाती है तो एक तीसरा बंदा जो बीच में मीडिएटर बन के आता है वो हमारा थोड़ी सुलह करवा देता है, और मैं एकदम से वो बोलता क्या चलो हाथ मिलाओ, तो मैं एकदम हाथ मिला लेता हूँ, तो आकाश का कैरेक्टर है अभी तो वो आता है कि तूने हाथ कैसे मिला, हाथ कैसे मिला लिया, तो ये बोलता उसको कि हाथ मिल गए ना दोस्ती हो गई, आप खुजा ढूंढ के मार लेंगे, दोस्त दुश्मनी रहती तो जड़ से कैसे काटते हैं, तो ये निखिल चौधरी है, अगर आप किसी के दोस्त बने रहे तो उसको मार रहे, उसको दुश्मन बनोगे तो आप उसको मार नहीं पाओगे क्योंकि वो चौकन्ना रहता है आपसे, दोस्त बन के किसी का किसी को ख़त्म करना तो उसके दोस्त बनो और उसको फिर जड़ से निकालते हैं, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग लाइन है उस कैरेक्टर की। फिर मैं बोलता हूँ कि बड़ा कमीना इंसान है निखिल चौधरी। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू सो मच।